नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कहते हैं बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी होता है। ये बात लगता है स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी अच्छी तरह जानती और समझती हैं। तभी तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने मजाक का बदला करीब एक साल बाद अब जाकर लिया है, जब उन्हें लगा कि ये सही वक्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ग्रेटा थनबर्ग के बीच इस बदले की कहानी को समझने के लिए आपको करीब एक साल पहले नवंबर 2019 में जाना होगा, जब दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन ने जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तस्वीर कवर पेज पर छापते हुए उन्हें साल 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया था। ग्रेटा थनबर्ग को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आयरिश एक्ट्रेस रोमा डाउनी ने ट्वीट कर बधाई दी थी। लेकिन थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया जाना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने टाइम मैगजीन की आलोचना करते हुए ट्वीट किया था, इतना हास्यास्पद, ग्रेटा को अपने एंगर मैनेजमेंट की समस्या पर काम करना चाहिए, फिर किसी पुराने जमाने की फिल्म दोस्तों के साथ देखने जाना चाहिए, चिल ग्रेटा चिल। डोनाल्ड ट्रंप से मिले इसी अपमान का बदला ग्रेटा थनबर्ग ने शुक्रवार को लिया, जब उन्हें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले हैं। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ रहे हैं और चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तब ग्रेटा ने ट्रंप के शब्दों को हूबहू उतारते हुए उनका मजाक उड़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, स्टॉप द काउंट, यानी वोटों की काउंटिंग रोको। इसका जवाब देते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है, इतना हास्यास्पद, डोनाल्ड को अपने एंगर मैनेजमेंट की समस्या पर काम करना चाहिए, फिर किसी पुराने जमाने की फिल्म दोस्तों के साथ देखने जाना चाहिए, चिल डोनाल्ड चिल डोनाल्ड चिल। ग्रेटा थनबर्ग की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को मिले इस जवाब को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। थनबर्ग के ट्वीट को अब तक 1,20,00,000 से भी ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि 2,71,000 से भी ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेटा थनबर्ग को गुस्सा कंट्रोल करने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि वो कई बार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपने भाषण के दौरान गुस्से में नजर आ चुकी है। पेरिस समझौते से अलग हो गए थे ट्रंप। जिस जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ग्रेटा थनबर्ग आवाज उठाती हैं, उसी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हुए पेरिस समझौते से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अलग होने का फैसला कर लिया है। बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि पेरिस समझौता से अमेरिका के अलग होने की घोषणा को पूरा करने वाली आवश्यक समय सीमा और प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि अगर वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने तो इस समझौते में अमेरिका को फिर से शामिल करेंगे। बता दें, साल 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सक्रिय प्रयास के चलते ये समझौता हुआ था। विकासशील देशों को समझौते पर दस्तखत के लिए तैयार करने में भारत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पृथ्वी के बढ़ते तापमान को कम करने के लिए प्रयास करने के इस समझौते पर कुल 197 देशों ने दस्तखत किए थे। अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति ट्रंप ने जून 2017 में इस समझौते से अलग होने की मंशा जाहिर की थी।